आप सभी का मंगल हो। ओम नमो नारायण श्रीमद् भागवत महा पुराण में स्पष्ट आदेश दिया है और बल्कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को एक ही बात कही, बातें बहुत सारी बताई, उसमें एक बात यह भी थी कि जन्म के दुख को, वृद्धावस्था के दुख को और मरण के दुख को कभी नहीं भूलना, रोज याद रखना। हे अर्जुन, तुम्हें ये रोज याद रखना। उसी प्रकार से आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आप ठीक है प्रातः स्मरण करते हैं, भगवान का करते हैं, जो भी जाप करते हैं, उसके बाद अपने मरण को याद रखो कि अगर आज मेरी अभी मौत, केवल अपने बारे में बस और कुछ नहीं, अगर मेरी अभी मौत हो जाए, मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊं तो कैसा होगा, मैंने क्या क्या पाप करे हैं, उस पाप को याद करो। अब आगे से नहीं होने चाहिए, मेरे से कुछ जानबूझ की गलती हुई है वो आगे से नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये कि अपने मरण को याद रखते हुए फिर कर्म करने के लिए आगे अपने जमीन पे धरती पे पांव रखिए, वो भी स्मरण करते हुए। ये बात बहुत सरलता से मैंने कही है और आपने भी, अधिकांश लोग आप इस चीज़ के जानकार हैं, लेकिन इस चीज़ को क्या कहते हैं, आत्मसात करना भी उतना ही टेढ़ा है जिस तरह से कहते प्राण, एक साधारण व्यक्ति का भी प्राण निकलने में भी बहुत तकलीफ होती है, ऐसे लगता है हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं, बहुत दर्द होता है, जलन होती है, चुभन होती है, प्यास गला सूख जाता है, अजीब सी एक वेदना संवेदना पैदा हो जाती है। मेरे को तो अनुभव, तीन चार अनुभव जिसमें ताजा तो 2018 दिसंबर 2018 पिताजी का भी मैंने देखा था, उनको प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा और कोई बात नहीं थी, ठीक है, बाकी वो बिल्कुल शांत थे, बस खाली उन्होंने एक बार हाथ से लिखा पानी, वो भी टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि वेंटिलेटर पे थे। तो मेरी भावना यहाँ पर ये आती है कि कैंसर वाले मरीज को क्या होता है, उनका भी बड़ा ऐसे ही लगता है जब मरण के करीब होता और भी ज्यादा उनको तकलीफ बढ़ जाती है, मैंने मेरे दो केस ऐसे देख रखे हैं। चलिए, भावना ऐसी है कि हमें रोज मरण को, केवल अपने मरण को याद रखिए कि आज मैं उठ गया हूँ, भगवान की दया आपने स्मरण करा, अब ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं मेरा मरण हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे से अच्छे कार्य हो। अच्छे कार्य का मतलब उसको याद नहीं रखना पुण्य को, लेकिन मैं क्या कहते हैं पाप ना कर सकूं, नाजायज ना कर सकूं, अपने अत्याधिक खुदगर्जी में, स्वार्थ में, लोभ में किसी को नुकसान ना पहुंचा पाऊं, इसको बोलते हैं पाप। पाप का अर्थ केवल एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता, वो तो है सो ही है, नॉर्मल रूटीन में भी। मंगल कामना, नमस्कार।